खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो वेलकम बैक दोस्तों, भाई लोग हम लोग आ चुके हैं एक और खतरनाक नहीं गाइस भयंकर वीडियो के साथ। तो सर ये आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे आप लोग टप्पा टप हेडशॉट मार सकते हो यार। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जितने भाई लोग चैनल के ऊपर नहीं आ रहे हो या फिर आते हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो, उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ सर जी, ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो भाई लोग हमारा पहला जो पॉइंट है वो है गाइस इनेबल सेटिंग। तो यहाँ पे एक जो सेटिंग है सीक्रेट सेटिंग, उसको आपको इनेबल कर देना है। तो ये बहुत सारे बंदे को पता हो सकता है बट यूज़ नहीं करते गेम के अंदर। तो इसको अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो सर जी आप कैसे टपा टप हेडशॉट मारोगे मेरे को ये बताओ। तो आपको कंट्रोल्स के अंदर आ जाना है और एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नीचे की साइड, क्विक वेपन स्विच, समझ रहे हो मैं जिसको एरो करके दिखा रहा हूँ, इसको आपको ऑन पे क्लिक कर देना है और आपको मतलब कस्टम मोड के अंदर अभी चले जाना है, ठीक है ना गाइस। अभी अपने क्विक वेपन स्विच को ऑन कर दिया, देन आपको अपना सेटिंग को पहले ठीक कर देना है। अगर आप थ्री फिंगर प्लेयर हो तो सर जी आप लेजेंड बन ही गए समझ लो, अगर आप टू फिंगर प्लेयर हो तो कोई बात नहीं आप भी लेजेंड बन जाओगे, बट थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि थ्री फिंगर प्लेयर को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। तो ये रहा अपना क्विक वेपन स्विच बटन। तो अगर आप थ्री फिंगर प्लेयर हो तो आपको ऊपर की साइड जहाँ पे मैंने दिखा रहा हूँ सर्कल करके, इसके अंदर ही आपको अपना ये जो बटन है इसको रखना है। और अगर आप टू फिंगर प्लेयर हो तो आपको नीचे की साइड जो मैंने सर्कल किया है इसके अंदर आपको रखना है अपना सेटिंग, समझ रहे हो। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, इसका क्या क्या बेनिफिट हो रहा है मैं बताता हूँ आगे जाके। तो भाई लोग अपना पहला पॉइंट है एनाबेल क्विक वेपन स्विच, समझ रहे हो ना गाइस, इसको आपको ऑन करना ही है। तो भाई लोग होप कि आपको पहला पॉइंट एकदम समझ में आ चुका होगा, अगर समझ में आ चुका है तो बहुत सही, वरना आप पीछे करके देख सकते हो। तो चलो अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई लोग ये जो हेडशॉट वगैरह आपने देखी अभी, ये मैंने खुद ने मारे हैं, अभी मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब ट्रिक बहुत ही छोटी है और समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे अभी आप लोग टपा टप हेडशॉट मार सकते हो। अभी मैं एक बात बता दूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर लिटरली गाइस क्या करते हैं कि दूसरों का गेम प्ले जैसे राइस स्टार ताहिर फोगा का गेम प्ले बैकग्राउंड में डाल के बोलते हैं कि लो भैया मैंने सिखा दिया वन टैप हेडशॉट लेजेंड बना दिया आपको, बट वो खुद ही नहीं मार पाते एग्जैक्टली, ठीक है ना गाइस। तो चलो अभी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई लोग अभी देखो मैं जो जो स्टेप बताने वाला हूँ एक बाई स्टेप, बहुत ही मतलब इतना आसान आपको शायद ही कोई यूट्यूब के अंदर समझा सकता है, समझ रहे हो ना। तो यार ध्यान से लाइक कर देना यार, ठीक है ना गाइस। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो चलो गाइस पहले स्टेप की तरफ बढ़ते। तो स्टेप नंबर वन है गाइस आपको सिंपली रन करना है, मतलब इतना बेसिक, पहले आपको रन करना है, देन आप सामने एनिमी है तो आपको राइट में मतलब कैमरा स्क्रीन को घुमा देना है, समझ रहे हो मैं जैसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको रन करना है, राइट में मूव करना है, फिर से गाइस आपको रन करना है, मतलब धीरे धीरे आप अगर वन बाय वन स्टेप को फॉलो करोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। इस तरीके से आपका जैसे ये प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए तो अगर सामने एनिमी हुआ तो आपको लेफ्ट या राइट टर्न कर जाना है, समझ रहे हो ना, जिस तरफ बंदा होगा उसके लेफ्ट या राइट टर्न कर जाना है। अगर देखो अभी सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने स्विच वाला बटन बताया स्पेशल बटन, उसको आपको बार बार टैप टैप करते जाना है, बार बार उसको दबाते जाओ ताकि उसके अंदर आपका हाथ आ जाए और वो उस बटन को आप गेम के टाइम भी यूज़ कर पाओ। तो उस बटन को मैं बार बार टैप कर रहा हूँ, मैं गन बॉक्स के अंदर हाथ नहीं दे रहा हूँ, मैं उस वाले बटन को ही बार बार टैप टैप कर रहा हूँ। अभी आपने सीख लिया अच्छी तरीके से, आपका प्रैक्टिस हो गया, 10 मिनट तक कम से कम प्रैक्टिस करना ही चाहिए। अभी आपको क्या करना है गाइस, सिंपली आपको एक और बटन यहाँ पे ऐड कर देना है, वो है गाइस जंप।
तो अभी आपको बहुत सारे चीजें करने पड़ रही है। तो पहले आपको रन, देन गाइस आपको कैमरा को घुमाना पड़ रहा है, देन गन स्विच करना पड़ रहा है, देन फिर से जंप करना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना गाइस। देन लास्ट में आपको फायर कर देना है एनिमी की तरफ, थोड़ा सा ड्रैग करो, ज़्यादा ड्रैग करोगे तो आपका आसमान में एम चला जाएगा, लगेगा ही नहीं। इस तरीके से गाइस बहुत ही सिंपली आपको समझा दिया, होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप बैक करके देख सकते हो पीछे करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो पैसा बर्बाद हो जाएगा सर जी। तो इस तरीके से आपको भी बहुत ही इजीली वन टैप हेडशॉट मार सकते हो, आप अपने टूर्नामेंट के अंदर अच्छा खासा नाम, कस्टम के अंदर भी अच्छा खासा नाम कमा सकते हो, समझ रहे हो ना गाइस। इस तरीके से आपको अपना हेडशॉट परफॉर्म करते जाना है, ठीक है। आपको दिन में मिनिमम यहाँ पर ही 10 मिनट और गेम के अंदर मतलब असली ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आपको वहाँ पे भी आधा घंटा मिनिमम टाइम देना ही चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म होता है वो ख़राब हो जाता है। इस तरीके से आपको मिनिमम आधा घंटा दिन में ट्रेनिंग ग्राउंड में बिताना चाहिए। तो चलो भाई अपने लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अपना लास्ट ट्रिक है गाइस, एम को हमेशा आपको वाइट रखना है, एम ऑलवेज वाइट, समझ रहे हो ना गाइस। इस क्लिप के अंदर आप अच्छे से देखो, जो मैं वन टैप इसको दे रहा हूँ, इसके अंदर क्या हो रहा है, मेरा एम जो है उसके आसपास है, देन मैंने अचानक ड्रैग किया और हेडशॉट। आपको क्या करना है, एनिमी के ऊपर से हेड को लाओ या फिर नीचे से लाओ, समझ रहे हो ना गाइस। एनिमी के सिर के ऊपर आपको एम रखना है या फिर जमीन के अंदर आपको एम रखना है, एम को वाइट रखना है, देन आपको हेडशॉट मारना है, समझ रहे हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो बढ़िया लगा होगा, बढ़िया लगा तो अपने स्क्वाड मेट्स के पास मतलब अपने दोस्तों के पास फैला दो यार, और वीडियो बनाने में मेहनत लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।